ये देखने के लिए लाइक इस MK4 को ना हम लोग अपने हिसाब से पॉल वॉकर स्टाइल में पूरा मॉडिफाई करेंगे। भैया ने हमें क्या प्रॉमिस करे, ये अगर सुपर है तो यहाँ तक की बैक फायर, राइट? प्रॉमिस, राइट? So hey guys, good morning, welcome back to the new episode and to the modification series of Supra MK4 guys. Finally, हमारी Supra MK4 आ चुकी थी and आज से guys MK4 की modification शुरू होने जा रही है दुबई में। मैं बता भी नहीं सकता हूँ how happy I am। मैंने ना Instagram पे story लगाई थी, vlog में लोगों से पूछा and people are so humble and polite, इतने सही comment करे ना। अब जो हम लोग MK4 को मॉडिफाई करने वाले ना गाइज, वो हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। अली भाई इज हियर गाइज। अभी हम लोग जा रहे हैं मॉडिफिकेशन की शॉप्स में। हम लोग 3-4 चीजों की मॉडिफिकेशन करा रहे हैं, एग्जॉस्ट, एक टर्बो और फिर सनरूफ लाइटिंग। ये सारी चीजें तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगी बट एग्जॉस्ट और टर्बो के लिए आई एम रियली एक्साइटेड। फटाफट नीचे चलते हैं, अपनी सुपरा नीचे खड़ी गाइज, लेट्स गो। ओके बॉयज, वी आर आउट एंड बाहर निकलते ही ये चेक करें आप, ये किसकी MK4 है? ये हमारी MK4 है गाइज। ये लो भाजी, दोनों को लेकर के चलते हैं। चलो अभी फिलहाल गाइस इसकी मॉड के लिए निकलते हैं। ये चेक करो गाइस, क्या मस्त लग रही है ना, क्या मस्त ब्रांड न्यू स्मेल आ रही है। धूप में तो अब स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, इसे न्यूट्रल लेवल है, कहीं पता लगा आ गया ना चली जाए। अभी इस पे आज जब एग्जॉस्ट लग जाएगा ना, फिर जो इसके चीखे सुनाएंगे आपको वो क्रेजी होगी। सो हेमलो जी, बाबू भैया दुबई की रोडों पे अपनी सुपरा MK4 के साथ। भाई क्या एक्सपीरियंस है और क्या पावर है, मैं आपको पावर चेक कराता हूँ गाइस। अली भाई ये चेक करो भाई साहब। गाइस मैं इतना खुश हूँ ना कि हमने क्लीन गाड़ी ली है भाई। एक्चुअली में गाइस 140 तो ऐसे सूसा की स्पीड से पहुंच गया, देखो। और ब्रेक्स आर OG2, बस एक चीज की कमी है इसमें, साउंड की गाइस, वही लगवाने जा रहे हैं। अली भाई ने ना गैराज में बात कर लिया, बस 2 घंटे का काम है, अब भी सब लग जाएगा। इतनी खुशी हो रही है ना गाइस, मैं बता नहीं सकता हूँ। अभी ना आपको इसका टर्बो का विसल नहीं आ रहा होगा बट जो टर्बो में हम लोग काम कराने वाले हैं वो एकदम OG होने वाला है। बाकी कॉमेंट सेक्शन में ना मेरे को बताते रहना गाइस की क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी है। इस MK4 को ना हम लोग अपने हिसाब से पॉल वॉकर स्टाइल में पूरा मॉडिफाई करेंगे। मेरी रैप की भी बात हो चुकी है, सब सिस्टम हैंग होने वाला गाइस। फिलहाल अभी पहुंच रहे हैं मॉडिफिकेशन की शॉप पर। मॉडिफिकेशन कितना दूर है अली भाई यहाँ से? ऑलमोस्ट लाइक 15-20 मिनट, 15-20 मिनट अगर ट्रैफिक नहीं मिली। अभी शाम के टाइम जिस साइड हम लोग हैं वहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा कम है बट दुबई में बहुत बहुत बुरा ट्रैफिक है गाइस। शाम के टाइम तो 6-6 किलोमीटर कवर करने में ऑलमोस्ट आपको 1-1 घंटा लग जाता है। कल मैंने देख लिया, बॉम्बे से ज्यादा बुरे हाल आते हैं शाम को दुबई में। सो हम लोग जी लोकेशन पे जा ही रहे थे और सुपरा ने जो फ्यूल पिया है ना वो खतरा ही पी रही है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं फ्यूल स्टेशन पे गाइस। हमारी सुपरा में भर रहा है मस्त फ्यूल। हम लोग स्पेशल करवा रहे हैं, सुपर करवा रहे हैं, सुपर इस पे हम लोग करवा रहे हैं, सुपर गाइस 98 एंड अभी ना मैं इसे रीसेट मारने वाला हूँ, देख रहा हूँ कितना एवरेज दे रही है। बट मुझे जिस हिसाब से लग रहा है एवरेज बहुत लो दे रही है, लाइक 6-7 के हिसाब से। टैम्पो से फिर भी जो उसका एवरेज है ना वो बहुत ज्यादा है बट जो MK5 है उससे कम है गाइस। फिलहाल अभी फ्यूल अप होता है, फ्यूल अप करवाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। चेक दैट आउट यार, फ्यूल भर चुका है, ऑलमोस्ट 60 लीटर का फ्यूल डला है इसमें गाइस और 171 दिरहम मतलब कितना, ऑलमोस्ट 3400 रुपये का फ्यूल, 500 रुपये देते हैं ये, 10,000 रुपये हाथ में, समझ रहे हो? 150 का होता फुल बिकॉज हमने सुपर भरा है इसलिए 170 का हुआ। हाँ स्पेशल जो है उसका प्राइस है 2.8 समथिंग और 3.2 सुपर का प्राइस है। 10,000 रुपये फिलहाल हाथ में। हमें तो 2,000 का नोट भी बंद हो गया 500 रुपये में, ये दुबई का 500 का नोट 10,000 के बराबर। पीछे लग के गया एकदम।
ये चेक करो, इसका मफलर ऑलरेडी मॉडिफाइड है, बट वी हैव गॉट द डी कैट एंड आगे भी एक डी कैट लगा है। बट मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग ये डी कैट हटवा रहे हैं, पूरा फुल सिस्टम कर रहे हैं, बिकॉज अभी जो एग्जॉस्ट सिस्टम है ना उस पर डी कैट लगा और एक आगे भी मफलर लगा है, तो ये पूरा अभी हम लोग स्टार्टिंग से एंड तक चेंज करके ऐसे बिल्कुल फुल सिस्टम कर रहे हैं। लास्ट वाला जो उसका मफलर है वो ऑलरेडी यू नो टाइटेनियम का है, तो सीन्स खतरनाक होने वाले हैं। जो अभी नया पाइप भी लगाएंगे वो हम लोग गैल्वेनाइज्ड ही लगाएंगे, बिकॉज इंडिया में ना बहुत ज़्यादा रस्ट रस्ट का सीन रहता है और मैं नहीं चाहता बारिश, और वैसे भी मानसून आने वाला है, तो आई रियली डोंट वांट कि नीचे से रस्ट पकड़े गाड़ी। इस गाड़ी को एकदम फुल पावर करवाएंगे। एट द सेम टाइम गाइस, एग्जॉस्ट निकालने के बाद एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी जो काम हो रहा है वो एग्जॉस्ट करा, उसके बाद हम लोग टर्बो पे काम करेंगे। पहले इससे देखते हैं कितना फर्क पड़ रहा है आवाज़ में, खतरनाक ओवरकिल रटा टटा बनाएंगे गाइस। ओके गाइस, एग्जॉस्ट सिस्टम इज आउट एंड दिस इज गोना बी द फर्स्ट स्टार्ट। चेक करते हैं कैसी साउंड आती है। ओके बॉयज, फाइनली वी आर डन विद दी एग्जॉस्ट की मॉडिफिकेशन एंड अब आपको थोड़ा सा साउंड में चेंज लगेगा गाइज। एक्चुअली जब तक ये ट्यून नहीं होती ना तब तक फुल पावर साउंड नहीं आएगा, बट फुल सिस्टम एग्जॉस्ट करवाना बहुत ज़रूरी था, सो वी हैव इंस्टॉल्ड अ फुल सिस्टम एग्जॉस्ट इन MK4। अभी हम लोग जा रहे हैं इसको ट्यून करवाने के लिए और इसका नया ECU और नया टर्बो लगाने के लिए। स्टार्ट करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। ओके बॉयज, फाइनली यू विल रिमेंबर दिस प्लेस। हम लोग पहुँच चुके हैं EMG गैराज। वी हैव गॉट भाईयर, वी हैव गॉट भैया यार, क्या हाल चल, बच्चे ठीक है आपके? अरे अब बता रहे थे मैं कि उनके बच्चे बोल रहे हैं कि सुप्रा लेकर के घूम रहे हो। एंड गाइस, हम लोग अपनी सुप्रा को लेकर के आ चुके हैं EMG एंड इसकी जितनी भी मॉडिफिकेशन हो रही है स्टेज 2 भैया, तो स्टेज 2.3 2.5 के बीच में आप चले जाओगे, ऑलमोस्ट 3 पे चले जाओगे क्योंकि इंटरनल्स चेंज हो रहे हैं। अच्छा, हम लोग क्या क्या चेंज कर रहे हैं आप बता दो हमारी जनता को। बेसिकली इसका पूरा जाएगा टर्बो किट स्टेज 2 पे जाएगी। ओके, इंटरकूलर अपग्रेड होगी, पाइपिंग इंजेक्टर्स इस टाइम पे नहीं कर रहे, स्टेज 2 के लिए चलेगा, फ्यूल पंप, फ्यूल रेगुलेटर और इसके साथ में यूनिचिप और ट्यूनिंग। जो सुपर आप लोग मांग रहे थे गाइस वो हम लोग EMG से करवाएंगे। एंड द थिंग इज, द बेस्ट थिंग इज कि नो, आपको पता है जितने भी गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, सुपरा की मॉडिफिकेशन हम लोगों ने यहीं से करवाई थी, MK5 तो हम लोग MK4 भी यहीं पर लेकर के आए। गाड़ी हम लोग आपके पास छोड़ करके जा रहे हैं, हमें बस गाड़ी एकदम फुल पावर लाउड चाहिए, पॉप। कल इसी टाइम आप जब आओगे तो आपका रिएक्शन पहले मैं देखूंगा बस काम की बात ही नहीं करेंगे, डन, कल काम हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए गाइस काम होना श्योर है, वी आर गेटिंग एवरीथिंग चेंज्ड। इसका जो भी स्टॉक टर्बो है ना वो बहुत छोटे हैं, हम लोग टर्बो बड़ा लगा रहे हैं इस पर, राइट? 120 से 150 HP आप लोग ऊपर जाओगे। और टोटल BHP कितनी हो जाएगी ऑलमोस्ट? ट्यूनिंग के बाद में 160 प्लस आप एक्सपेक्ट करो। एको इन सब चीजों के अलावा फ्लेम्स और पटाखे एकदम फुल पावर कंफर्म, और आपकी गाड़ी ऑलमोस्ट 600 के प्लस निकलेगी HP बोल रहे हैं भैया, वो हम लोग कल ही देखेंगे। फिलहाल के लिए गाइस सुपरा पे काम कराना शुरू करते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट लाइक 14-15 घंटे का चलने वाला है, वो भी कट डाउन करके, बिकॉज हम लोग यहाँ से काम करा रहे हैं। नॉर्मली अगर हम लोग बाहर से काम कराते हैं तो 2-3 दिन लगते हैं। आपको पता है बाबू भैया अपना काम EMG से करवाते हैं, सो जितने भी लोग दुबई से नीड नॉट टू से यहाँ पर आकर के काम करा लेना और मेरा नाम लोगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फिलहाल अभी काम कराना शुरू करते हैं, लेट्स गो बॉयज, चेक दिस आउट, सुपरा का सिस्टम निकलना शुरू हो चुका है। ओके गाइस, वी हैव गॉट द फिल्टर एंड इंटरकूलर पाइप आउट एंड इसका स्टॉक टर्बो मेरे को चेक करना है, कितना साइज का डिफरेंस है टर्बो में? जमीन आसमान का फर्क है, इसका स्टॉक इधर कवर के अंदर है। ओके, वो बिल्कुल इतना छोटा सा रहेगा, ठीक। और हम और जो हम लोग डाल रहे हैं वो T70 का आएगा। ओके, मतलब के तकरीबन सीधी सीधी बात 100 और ऊपर गाइस। चेक दिस आउट, ये रहा हमारा पुराना टर्बो एंड ये चेक करो नया टर्बो है अभी हम पे, कल दिखाएंगे गाइस, कल वाली वीडियो में दिखाएंगे गाइस आपको नया टर्बो। फिलहाल अभी पुराना टर्बो बाहर निकाल दे गाइस। एंड भैया ने हमें क्या प्रॉमिस करा, ये अगर सुपर है तो यहाँ तक की बैकफायर, राइट? प्रॉमिस, राइट? कंफर्म, आपकी गारंटी में पता है, लास्ट टाइम भी सुपरा में आपने अच्छा काम करके दिया। जैसे ही आप देखोगे उसके बाद आपकी तरफ से बहुत कस्टमर हमारे पास, भाई ने लाइक इतना फास्ट काम किया है भाई। ये प्रोजेक्ट सुपरा का गाइस, MK4 का, इज गोना बी द बिगेस्ट प्रोजेक्ट एवर। ये यहाँ से यहाँ तक की फ्लेम बोल रहे गाइस और बैक फायर अलग,
स्टेज टू ट्यून होने वाली है क्रेजी. मैं इतना एक्साइटेड बैठा ना अभी से. मैंने कहा भैया ना मेरे को वीडियोस दिखा रहे, कल वाला जो व्लॉग होगा ना गाइज वो खतरनाक होने वाला है. फिलहाल के लिए अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर गाइज. इट्स ऑलरेडी लाइक 12. इंडिया में बच चुके होंगे डेढ़. मुझे घर जा करके थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं. कांट वेट फॉर दिस प्रोजेक्ट टू हैपन. कल वाले व्लॉग में जब ये फुल मॉडिफाई हो जाएगी तब आपको दिखाएंगे. कल रात कितने बजे तक गाड़ी भैया? कल 11 बजे आपको मिलेगी. रात के 11 बजे? कल रात के 11 बजे मिलेगी. फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं घर गाइज. रियली टायर्ड, निकलते हैं यहाँ से. ये देखने के लिए लाइक दिवाली में पटाखे नहीं चाहिए.